नमस्कार, मैं नरेंद्र मुखीज अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं अलवर अनाज मंडी की तरफ और कुछ किसान बैठे हैं उनसे पूछ लेते हैं आज की सरसों क्या क्या भाव की उनकी। तो सबसे पहले मेरे सामने जो किसान बैठे हैं उनसे पहले नाम पूछ लेते हैं। नाम बताना अपना। सुरेंद्र। गाँव कौन सा है? ऊँट वाला है। तो कितनी बोरी लाए सरसों की? 10 बोरी। क्या भाव की अपनी? 63,500। लैब वगैरह पता है आपको? लैब नहीं पता। अच्छा, अपने वहाँ ऊँट वाले में कितना बीघा बैठ रहा है? 1 बीघा में कितनी सरसों बैठ रही है? आपकी कितनी बैठी है? 15 मिनट का बीघा बैठ रहा है। ठीक है, धन्यवाद बाबा। दोस्तों चलते हैं कुछ किसानों के पास और सबसे पहले तो मेरे सामने जो बैठे हैं नाम बताएं अपना। जाकम खान। गाँव कौन सा है? मन्ना। कितनी बोरी लाए हो? बोरी लाए 25। 25 बोरी। क्या भाव की अपनी? 6,500। तो इसमें गील कितनी आ रही? मॉइस्चर कितना आ रहा है? वो मॉइस्चर तो आया 9 हो के है ना। 9 मॉइस्चर है। तो अपने मन्ना का में कितना बीघा, 1 बीघा में कितनी सरसों बैठ रही है? 1 बीघा में ऐसी बैठ रही है 12-13 मन। आप भी लाए सरसों? अपनी क्या भाव की? मेरी देखिए 6,400। तो और आपका कौन सा गाँव है? खिलवाड़। ये कहाँ पड़ता है? रामगढ़ तहसील में। तो क्या भाव की बता रही? 6,400। तो इससे आपने गील कितनी आ रही है? 10 गील आ रही है। और आपकी? आप सरसों नहीं लाया? ठीक। अच्छा, गेहूँ क्या भाव की अपनी? गेहूँ बताना। 2100 गेहूँ भी गए आपके। तो अब नए गेहूँ चालू कब होंगे आपकी? अच्छा, आप नए गेहूँ लेके आओ। कितनी बोल लेके आओ नई गेहूँ की? 26 कट्टे नई गेहूँ। तो सबसे पहले ले आया मंडी में नई गेहूँ? हाँ, चलो ठीक है बाबा, धन्यवाद। दोस्तों बाबा आज और भी चीज़ें ला रहे हैं, तो उसमें और क्या लाए आप? जो लाए। जो क्या भाव की अपने? 2960 है। वो जो कितनी बोरी लेके आए थे? 14 बोरी लेके आए। ठीक है बाबा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो चलते हैं एक किसान के पास और सबसे पहले तो नाम बताओ अपना। क्या अपना नाम क्या है? शिवराम चौधरी। गाँव कौन सा है? हल्दीना। तो आप कितनी बोरी लेके आए हो सरसों की? 15-20 बोरी। क्या भाव की अपनी? 65,500। तो इसमें गील वगैरह है, मॉइस्चर या लैब कितनी आ रही है? गील आ रही है या मॉइस्चर लैब ली है आपकी? लैब सुई भी। अच्छा, 40 लैब है। हाँ, 40। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। 1 बीघा में आपके वहाँ पर कितना बैठ रहा है गांव में? 1 बीघा में कितनी सरसों बैठ रही है? 12 मण का है। कम बैठ रहा है इस बार है? ठीक है सर, धन्यवाद। दोस्तों अब चलते हैं राहुल जी के पास और नई सरसों और गेहूँ, नई गेहूँ की आवक और भाव दोनों बताएं। आवक तो नई सरसों नई सरसों की आवक को मानो आप 7-8 हज़ार कट्टे की। अच्छा, और भाव? भाव मानो सुबह 6,800 से काम हुआ था, लेकिन अब मानो 6,500-6,750। 42 कंडीशन। और नई गेहूँ वगैरह अभी आ रही है मंडी? 2100 का भाव समझो, आमद 500-700। 500-700 कट्टे। और बाजरा वगैरह का भाव? तो बाजरा कोई पड़ा हुआ है 1960-70। और ग्वार और चना? ग्वार 5,800-5,600। अच्छा, ग्वार में तेजी है आज? और चना? चना बिका है 5,000-5,050। कुछ नया चना भी? नया ये भी बिका है, नया आ चुका है। इस नए चने की आवक कितनी है? नए चने की देखो जमीदार ढेरी तो 150 कट्टे की मानो। हाँ, बाहर की मोटर आ रही हैं। अच्छा, उसकी आवक मानो आज करीब 2,000 कट्टे। तो ये सरसों की आवक तो बहुत ही कम हो गई है। सरसों की आवक बहुत कम हो गई। चलो ठीक है सर, धन्यवाद आपका। ठीक है, चलते हैं एक किसान के पास और सबसे पहले तो नाम बताओ अपना। राम खिलाड़ी सैनी। गाँव कौन सा? गुजू की है। तो आप क्या लाए अनाज मंडी में? सरसों गेहूँ और चना, बाजरा और चना। चना भी लाया है ना? ये चना आपका ही है? नया चना निकला? ये नया 1 बीघा में कितना निकल जाता है चना? अब तो मान लो 20-21 मन को बीघा चने का। अच्छा, तो आपका अब क्या क्या बिक गया सौदा? बाजरा अभी, बाजरा और सौदे अभी बिके नहीं है। बाजरा क्या भाव बिका? बाजरा बिका 1961। 1961 बिका। ठीक है सर, धन्यवाद।